गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक, ठीक है। सेक्टर को ही हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रक कहते हैं। तो सेक्टर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू थ्री मेन कैटेगरी, नेमली, यानी सेक्टर को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी सेक्टर, जिसको हिंदी में हम प्राथमिक या पहला क्षेत्रक कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम हिंदी में द्वितीयक क्षेत्रक या दूसरा क्षेत्रक कहते हैं। तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम तृतीयक क्षेत्रक या तीसरा क्षेत्रक कहते हैं। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रक है, सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी है, इसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो आइए सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर के बारे में जानते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक या पहला क्षेत्रक। इसका डेफिनेशन है, दीज इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन, कलेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करके जो भी वस्तु हम प्राप्त करते हैं, वो किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि है, ये किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि कृषि करने के लिए हमको नेचुरल रिसोर्स जमीन की ज़रूरत है। सेकंड है फिशिंग, फिशिंग जो हम करते हैं, तो हम नदी तालाब से जो है फिशिंग करते हैं, तो नदी तालाब भी प्राकृतिक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। दूसरा, तीसरा है माइनिंग, यानी खदान, मतलब ज़मीन के अंदर से जो भी हम सोना चांदी कोयला जितना भी वस्तु प्राप्त कर रहे हैं, ये सब माइनिंग है, यानी उस खदान से प्राप्त करते हैं, ये किस में आ गया, प्राइमरी सेक्टर। मतलब नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करके जो भी जहाँ से हम वस्तु प्राप्त करते हैं, वो किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्रक या दूसरा क्षेत्रक, ठीक है। तो इसका क्या है डेफिनेशन, दीज सेक्टर इन्वॉल्व प्रोसेसिंग रिसोर्सेज ऑप्टेन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर से जो भी वस्तु हम प्राप्त करते हैं, उसको सेकेंडरी सेक्टर में ले जाके प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, तो सबसे पहले है फूड पैकिंग, मतलब प्राइमरी सेक्टर से एग्रीकल्चर हमने किया, एग्रीकल्चर में मान लीजिए हमने गेहूं उगा दिया, तो दूसरे वाले क्षेत्र में क्या करेंगे, उसको आटे में कन्वर्ट करके हम उसको पैकिंग कर देते हैं, फूड पैकिंग हो गया। इसमें सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इंडस्ट्री आते हैं, बड़े कारखाने, छोटे कारखाने, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वस्तु का निर्माण, यानी जहाँ इंडस्ट्री होता है, तो इंडस्ट्री में स्पेशली वस्तु का निर्माण ही किया जाता है, जैसे कपड़ा हो गया, जैसे जो है कोई भी वस्तु हो गया, उसका निर्माण किस में होता है, सेकेंडरी सेक्टर। मतलब सेकेंडरी सेक्टर में स्पेशली इंडस्ट्री जो है चलाए जाते हैं, और इंडस्ट्री के द्वारा अलग अलग वस्तु का निर्माण होता है, ये किस में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़े छोटे सब तरह के कारखाने आते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरे क्षेत्रक में, यानी दिया है टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्रक या तीसरा क्षेत्रक। दिस सेक्टर आर दोज विच फैसिलिटेट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, आल्सो कॉल्ड सर्विस, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो काम हो जाता है, तो फिर उस काम को ले जाके तृतीय क्षेत्रक में कंप्लीट किया जाता है, और तृतीय क्षेत्रक को ही हम जो है सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो दो तीसरे क्षेत्र का कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, जितना भी मोटर गाड़ी, बस, ट्रक, ट्रेन, जितना भी जो है ट्रांसपोर्ट के साधन है, जितने भी यातायात के साधन हैं, सब किस में आते हैं, तीसरे क्षेत्र में। बैंक है, बैंक में जितना वर्क होता है, बैंक के जितने वर्कर हैं, बैंक में जितने लोग नौकरी करते हैं, वो तीसरे क्षेत्र में आते हैं। तीसरा है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग वर्क करते हैं, वो किस में आता है, तीसरे क्षेत्र में। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ये सब लोग किस में आते हैं, तीसरे क्षेत्रक में। मतलब तीसरे क्षेत्रक में न वस्तु का निर्माण हो रहा है, न खेती हो रहा है, बल्कि लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर या सेवा का क्षेत्रक भी कहते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर हैं, ये लोग सेवा करते हैं, इनको पैसे हम देते हैं और ये लोग क्या करते हैं, सेवा करते हैं। डॉक्टर है, इनको हमने पैसा दिया और इन्होंने हमें दवा दे दिया, तो
तो यानी इन्होंने जो पैसे हमने दिए उसके बदले हमको इन्होंने अपना सर्विस दिया, इसलिए तीसरे क्षेत्र को हम जो है सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है। मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो कार्य हो जाता है उसको ले जाकर सेकेंडरी में किया जाता है, सेकेंडरी में जो कार्य हो जाता है उसको तीसरे में कंप्लीट किया जाता है। मतलब दे डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब ये सभी सेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित हैं। ठीक है, इस तरह जो है आज हमने जाना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, तीन क्षेत्र के बारे में हमने जाना और समझा। धन्यवाद, थैंक्स।